सबके मार्गदर्शक आदरणीय श्री गोपाल शेट्टी जी उपस्थित मंच आज जिस बच्ची ने मनाली जो अपनी स्पोर्ट्स में जो उत्तीर्णता की वजह से वो स्पेन जा रही है, इसी तरह से जैसे उन्होंने बताया माननीय गोपाल शेट्टी जी जब कॉरपोरेटर से लेकर सांसद ने जो सफर तय किया अनेकों लोगों को अनेकों हुनरबाजों को, चाहे वो खेल की दृष्टि से हो, कला की दृष्टि से हो, विभिन्न समाज हो, सबको उन्होंने प्रोत्साहन दिया और उनमें से मैं भी एक हूँ जिसको प्रोत्साहन दिया। आज मैं एक सामान्य कार्यकर्ता, मैं हमेशा गोपाल शेट्टी जी साहब को कहता हूँ कि मैंने सीधा भाजपा का काम कभी नहीं किया, पर मैं हमेशा एकलव्य की तरह दूर से देख करके मैंने बहुत सारे हुनर सीखे और उनके इतने लंबे साल के कार्यकाल में उनके अनेकों भाषणों को मैंने लिखा। और क्योंकि एक व्यक्ति जो सेल्फ मेड होता है, जिसका कोई गॉडफादर नहीं होता है, जो अपने आप से उठ करके सामूहिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ता है, उस व्यक्ति अपने आप में, हम सब कहते हैं यूनिवर्सिटी डिग्री से बढ़कर होता है यूनिवर्सल डिग्री। सो गोपाल शेट्टी साहब यूनिवर्सिटी डिग्री के टॉपर है और ऐसे यूनिवर्सल डिग्री के टॉपर से सभी लोग जो विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं और आज जो भी क्षेत्र में काम करते हैं, शायद कभी कभी डांटते हैं वो, पर हम उत्तर भारत में कहते हैं दूधार गाय की लाज मिली है, और उत्तर भारत के में कहते हैं दूधार गाय की लाज भारी, जो गाय दूध देती है कभी कभी लाज मारे को सहन करना चाहिए। तो साहब ने कभी कभी मुझे भी डांटा है, पर मेरे लिए मेरे जीवन में उसका बहुत प्रभाव पड़ा है। इसी तरह से इस बच्ची ने भी जैसे कहा शुरुआत में ही कहा, उसको भी ये यहाँ पर पहुंचने के लिए गोपाल शेट्टी साहब के साथ सहकार रहा। बहुत लोगों के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से गोपाल शेट्टी साहब ने सहकार किया। अभी पिछले रविवार को बोरीवली मलेड़ी समाज का कार्यक्रम था, साहब आए थे, एक छोटे से 50 बच्चों के स्कूल से हमने आरम्भ किया, आज 1650 बच्चे पढ़ रहे हैं ब्रॉड के बारे में। और हम सब जो बाकी के काम, हम जो अभी डायग्नोस्टिक सेंटर खोल रहे हैं, ये सारे सामाजिक कार्य करने में हम सबको प्रेरणा दिया साहब ने। तो मलेरी समाज जो बोरीवली में करीब 5000 की संख्या होगी, आज इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहा है, इतने सारे टीचर्स हमारे यहाँ है, इतना बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर चलाते हैं, ये सभी को हम मानते हैं कि कभी कभी उनको मालूम भी नहीं होता, हम उनके नाम से बहुत सारी चीजों का लाभ लेते हैं और वो सब लाभ केवल और केवल समाज के लिए होता है। हमने हमेशा ये ध्यान में रखा है कि साहब का नाम भी हमेशा हम उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। मेरे सभी से निवेदन है कि सभी सीखें, साहब जिस पड़ाव पर है जीवन के, उनके पास मैं उनसे जब व्यक्तिगत भी बोलता हूँ, उन्होंने इतना कुछ पाया है, अब उनके लिए ऐसा कुछ पाने के लिए ऐसा कुछ बचा नहीं जिसको मटेरियलिस्टिक या भौतिक चीज चाहिए। तो उन्होंने हम सब की कामना है साहब आगे भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करें और लोगों को प्रेरित करें, जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है उसी तरह से बाकी सब जो राजनीतिक क्षेत्र में मंशा रखते हैं कि जनप्रतिनिधि बने आगे बढ़े, वे सब राज साहब से सीखे, यही मेरी मंशा है। और साहब इसी तरह से हम सबको आशीर्वाद दें, यही हम सबकी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम और पुनः मनाली को बहुत बहुत बधाई।